तो हेलो दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक वॉच की, जो बोल्ट की क्राउन एक्स 2.0 वॉच होती है, उसे मैंने आज लिया है और आज मैं उसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये इसका बारकोड और जो मेरा पता है वो, और ये रहा फ्लिपकार्ट की जो आप देख सकते हो पैकेजिंग है, इस बगल से भी फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग आप देख सकते हो। चलिए, इससे देर ना करते हुए मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। वैसे दोस्तों, ये इसलिए खुला हुआ है क्योंकि जो डिलीवरी बॉय था उसको OTP सेंड करना पड़ता है, इसलिए उसने खोला था, तो इसलिए ही खुला हुआ है। चलिए, इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। तो आप देख सकते हो कि हमें ये जो हमारा वॉच है क्राउन एक्स का, ये हमें मिला है, और ऐसे बॉक्स में कुछ भी नहीं है। चलिए, इसको साइड में रखते हैं। और ये रहा हमारा जो मेन है बोल्ट क्राउन एक्स का वॉच, जिसका नाम है दोस्तों, ऐसे ही मुझे काफ़ी पसंद है इसलिए मैंने लिया। और इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ, 1499 रुपये इसका प्राइस है। तो सुन लीजिए, 1499 रुपये इसका प्राइस है। सारी स्पेसिफिकेशन मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। और मैंने इसे खोला, आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है। ये रहे इसके कुछ यूज़र मैनुअल्स, आप देख सकते हो कि वॉच को किस तरह से आपको यूज़ करना है, इस सब इंस्ट्रक्शन इसके बारे में दिया है। अगर आपको यूज़ नहीं करने आता है तो आप इसको पढ़ के देख सकते हो और यूज़ कर सकते हो। और ये रहे सैफ अली खान, आप देख सकते हो, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं बोल्ट कंपनी के। और यूज़ मिलने जो हमारे किसी काम करनी है। चलिए, इसको हम साइड में रखते हैं और उसका मैं आपको दिखा दूँगी। आप देख सकते हो कि इसका वारंटी कार्ड है, इसका आप देख सकते हो वारंटी कार्ड। अगर आप इसको स्कैन करके, जिस डेट को आप लेंगे इसको स्कैन करके, आप उसको वारंटी में डाल सकते हैं। इस साइड से कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो 3 मंथ की वारंटी है इसमें। अच्छा, फ्लिपकार्ट पे दोस्तों लिखा हुआ था कि 1 ईयर्स की वारंटी है। चलिए, इसको भी हम साइड में रखते हैं। और ये रहा हमारा वॉच, आप देख सकते हो कि वॉच ऑन है क्योंकि डिलीवरी बॉय ने मुझे ऑन करके दिया था। और वॉच दिखाने से पहले मैं आपको चार्जर दिखा देता हूँ। ये रहा उसका चार्जर, आप देख सकते हो मैग्नेटिक चार्जर आता है। और ये USB चार्जर, वैसे दोस्तों काफ़ी नॉर्मली है, लेंथ भी इसे स्मॉल ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। जैसे हमारे मोबाइल का डाटा केबल होता है उतनी बड़ी नहीं लेंथ है, लेंथ छोटी है। चलिए, इसको हम साइड में रखते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ वॉच। और आप देख सकते हो कि ये रही हमारी वॉच। मैंने इसे टोटली ब्लैक मंगाया है दोस्तों, वैसे ब्राइटनेस इसकी दोस्तों काफ़ी तेज़ है। आप डिस्प्ले पर भी देख सकते हो कि हमारा इसको फोकस नहीं कर पा रहा है। और आप देख सकते हो कि साइड से ब्लैक है, यहाँ पर कुछ डिज़ाइनिंग है। और ऐसे ये रोटेशन जो इसकी दोस्तों, ये वर्किंग है, आप देख सकते हो वर्क करता है। और ये इसका मोड वाला बटन है यहाँ पर। और आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है साइड से पैकेजिंग इसकी। और यहाँ पे इसके सेंसर्स हैं। चलिए, इसको हम जल्दी से पन्नी हटा के देखते हैं। इसे पन्नी हटाने में दोस्तों काफ़ी मज़ा आता है। चलिए, हम इसको पहले हटा के देखते हैं पन्नी से। तो पन्नी इसका मैंने हटा दिया है और ये काफ़ी अच्छा दिखता है। पन्नी को भी हम साइड में रखते हैं। और ये देख सकते हो कि आप ये जो बार कोड है, इसको आप स्कैन करके इसका ऐप जो होता है, ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसका ऐप यहाँ पे साइड में शो हो रहा होगा, तो आप ऐप को देख सकते हो और जाके प्ले स्टोर से बिना स्कैन किए भी डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, आप देख सकते हो कि डिस्प्ले वैसे दोस्तों काफ़ी बड़ी है और ये पूरा काफ़ी हैवी है क्योंकि ये मेटेलिक बॉडी है। आप देख सकते हो साइड से जो इसकी फिनिश है, आप देख सकते हो इस बगल से। और स्ट्रैप लगा, तो ये जो मोड का बटन है, आप डायरेक्ट जैसे मोड में जा सकते हो। और साइड से कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पर स्ट्रैप लगेंगी। और इस साइड से ऐसा दिखता है दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम है, माइक बटन है। और ये रहा इसके सेंसर्स। और यहाँ पे जो आप चार्ज करने को लगा सकते हो दोस्तों। और आप देख सकते हो दोस्तों, इसको जो हम स्कैन करने को आया है दोस्तों, आप देख सकते हो कि कैसे उसे दोस्तों डिस्प्ले इसका आम वॉच से काफ़ी बड़ा है। और आप देख सकते हो साइड से कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर। और ऑन करके मैं इसे आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ऐसे कैमरा काफ़ी फोकस नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसकी 1000 निट तक की ब्राइटनेस है दोस्तों। और इसे मैंने ऑन कर दिया दोस्तों, आप देख सकते हो कि इसकी ब्राइटनेस कितनी तेज़ है, ये कैमरा इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है, आप देख सकते हो। वैसे दोस्तों बेजल काफ़ी कम है, नीचे का बेजल थोड़ा सा बड़ा है, आप देख सकते हो थोड़ा सा बड़ा बेजल है इसका, बाकी साइड के बेजल काफ़ी कम है। और दोस्तों एक चीज़ और रह गया था, आप देख सकते हो जो इसका बैंड है, वो मैंने दिखाना भूल गया था। आप देख सकते हो इसका बैंड है ये,
और इसे मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। देख सकते हो ये मैंने ब्लैक मंगाया है। आप भी सारे ऑप्शन रहते हैं, आप किसी भी तरह का बैंड मंगा सकते हैं, इस पर डिज़ाइन भी रहती हैं, बट मैंने ब्लैक मंगाया है। आप देख सकते हो बैंड की क्वालिटी, वैसे आप देख सकते हो वैसे ये काफ़ी सॉफ्ट है बैंड, क्वालिटी काफ़ी मुझे अच्छी लग रही है, एकदम अच्छी नहीं है दोस्तों, मैं डिसेंट इसको बोलूँगा। और ये आप देख सकते हो कि ये मेटैलिक का प्लास्टिक नहीं है, तो जो कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा दिया है। चलिए मैं इसे आपको लगा के दिखा देता हूँ, जो हमारी वॉच है कि कैसे इसमें लगेगी। तो आप देख सकते हो, मैं आपको बता दूँ अभी कैसे लगेगा। आप देख सकते हो जो इस साइड साइड से निकला हुआ है, पहले आपको यहाँ पे इसको डालना होगा अच्छे से। आप देख सकते हो कि यहाँ जो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे आपको करना होगा, उसके बाद यहाँ पे वैसे दोस्तों इस तरह से लगाएंगे कि उल्टा मैं लगा रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो निकला है, पहले यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अंगुली से थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसे अगर आप प्रेस करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा दोस्तों। और ये तो आप देख सकते हो इसे मैंने साइड साइड से लगा दिया दोस्तों, लगाने के बाद ये निकल जाता है। आपको यहाँ से आपको दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ से लॉक लगाना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे लॉक दिया है, यहाँ पे आप ऐसे इस बगल कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, तभी निकलेगा नहीं। और इस बगल भी कर दें, देख सकते हो आप जो मैंने लगाया है, मैं यहाँ पर इसको लॉक कर दे रहा हूँ ताकि ये नहीं निकले। अब ये दोस्तों कितना भी आप इसको खींचेंगे ये नहीं निकलेगा, ये लॉक लगाना आपको काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप लाइन लॉक लगाते हैं तो थोड़ा सा ये खींचेगा तो निकल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये रहा पूरा वॉच, जो काफ़ी ऐसे दिखता है इस तरह से। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर कीजिएगा दोस्तों। ऐसे मैं अनबॉक्सिंग वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो फिर ये दोस्तों इस वॉच का मैं आपको फ्यूचर्स आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत, जितना भी मुझे पता है। आप देख सकते हो इसका पावर बटन, आप इसको जैसे ही ऑन करोगे ऑन हो जाएगा, आप देख सकते हो। और जैसे आप इसको रोटेट करोगे तो इसका डायलर जो है वो चेंज होता रहेगा। आप देख सकते हो जैसे रोटेट करोगे इसका डायलर चेंज होता रहेगा, और मुझे ये पसंद आया तो मैंने इसे लगा रखा है। और ये जो बटन है आप देख सकते हो, ये स्पोर्टली स्पोर्ट का बटन है। आप देख सकते हो जैसे इसे आप प्रेस करोगे सीधा स्पोर्ट खुल जाएगा। आप देख सकते हो इसमें 125 स्पोर्ट मोड है, अगर इसको भी आप रोटेट करोगे तो ये भी वर्क करता है, ऊपर नीचे होता है, आप देख सकते हो। और इसको बैक करने के लिए जैसे आप स्क्रॉल करोगे ऐसे ये बैक हो जाएगा, इस बगल आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, ये बैक हो जाएगा। और फ्यूचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भी ऊपर से अगर मैं आपको दिखाऊँ फ्यूचर्स, आप देख सकते हो ये फ्लैप का जो ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, आप हाथ से जैसे आप अपना फेस पे करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये ब्राइटनेस का फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसका ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। 1000 यूनिट्स का ब्राइटनेस है दोस्तों इसका, तो ब्राइटनेस का काफ़ी अच्छा है, मुझे नहीं लगता कि धूप में इसका कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा, ये अच्छे से विजिबल होता है। और ये देख सकते हो आप यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, और यहाँ डिस्प्ले पे जाएंगे तो आप यहाँ पे जो मेन्यू व्यू है, आप जो ऐप का आइकन है आप चेंज कर सकते हो, जो भी जितने भी ऐप हैं इसमें आप देख सकते हो, जो भी इसमें बहुत से आइकन है, अभी आपसे आप देख सकते हो, आप इसमें बहुत सारे आइकन हैं जो भी हैं आप इसमें सेट कर सकते हो आपको जो भी पसंद है। इससे मैं आपको ऐप दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस तरह का आइकन सेट किया हुआ, तो आप किसी भी तरह का आइकन आप सेट कर सकते हैं ऐप में। और आप इसे पैक प्रेस करेंगे तो भी आप बैक चले जाएंगे, या अगर आप इस साइड स्क्रॉल करेंगे तो भी आप बैक चले जाएंगे उसके बाद, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपको मैसेज अगर आपको पढ़ना रहेगा तो मैसेज ऐसे अगर नीचे से अगर आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपका मैसेज आ जाएगा दोस्तों, और फिर इसे आप कर देंगे तो ये बैक हो जाएगा। और इस बगल आप कर देंगे तो आप देख सकते हो कितने भी जो भी एक्टिविटी आप करेंगे, लाइक स्टेप आप चलेंगे, आपको कितना अपडेट में कितना ऑक्सीजन हार्ट रेट ये सब कुछ फ्यूचर ये मॉनिटर करता है। और जैसे सकते हो अगर फ़ोन अगर आपने इसको कॉन्टैक्ट किया होगा फ़ोन से, तो फ़ोन में आपके जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। आप देख सकते हो ये जो है ब्लड हार्ट रेट जो आपके होते हैं ये भी उन्हें नापता है, मैक्सिमम मिनिमम जो भी आपको बताता है। आप देख सकते हो ब्लड ऑक्सीजन आपके बॉडी में कितना है वो भी ये बताता है। बहुत सारे इसमें फीचर हैं दोस्तों, 125 फीचर्स हैं। स्पोर्ट मोड की हिस्ट्री पर आप देख सकते हो कुछ ऐसा इसका डिस्प्ले दिखता है। डिस्प्ले दोस्तों ऐसे काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस है, 1000 नेट्स का ब्राइटनेस है, और पता भी चलता है, फील भी होता है कि 1000 नेट्स की इसमें ब्राइटनेस है दोस्तों। और दोस्तों कुछ भी ऐसे दिखाने को रहा नहीं गया है, देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेशन भी है, आप गेम भी खेल सकते हो यहाँ पे। आप देख सकते हो किस तरह से बहुत सारे 3-4 गेम है, आप गेम भी खेल सकते हो। और इस बगैर आपको दिखा दूँ मैं तो आपको देख सकते हो आपको यहाँ पे कैलकुलेटर भी मिलता है, काफ़ी अच्छा कैलकुलेटर है, बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है। आप देख सकते हो जो भी है वर्क तो काफ़ी अच्छा करता है आप। और दोस्तों मैंने मुझे जहाँ तक फ्यूचर मुझे पसंद था पता था मैंने आपको फ्यूचर बता दिया। ये कॉलिंग वॉच है दोस्तों, और स्पीकर भी मैंने टेस्टिंग किया था, स्पीकर भी इसका काफ़ी अच्छा है, माइक भी मैंने बात की थी तो बात भी इससे काफ़ी अच्छा हो जाती है, आवाज़ थोड़ी स्लो जाती है आई थिंक, मेरे हिसाब से ऐसा लगा कि मैं जिससे बात कर रहा था उसने बोला कि आवाज़ थोड़ी सी स्लो आ रही है। तो माइक क्वालिटी भी मैं डिसेंट बोलूँगा, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं। अगर आप इसे ज़्यादा अगर अपने फेस के पास लगा के
टॉकिंग करेंगे, बात करेंगे तो आवाज़ काफ़ी अच्छी जाती है, वैसे आवाज़ इसकी काफ़ी स्लो जाती है। वैसे फ़ोन हिसाब से दोस्तों काफ़ी प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ोन है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में हम कुछ ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डिस्प्ले इसका दोस्तों ऐसे काफ़ी बड़ा है, क्योंकि मैं अपने हाथ को दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कि मेरे हाथ से इसका डिस्प्ले कितना ज़्यादा बड़ा दिखता है। दोस्तों आप देख सकते हो ऐसा कुछ हाथ पे लगाने को दिखता है। और बैंड की बात करें दोस्तों, बैंड काफ़ी अच्छा है, सारे सेंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपका जो भी चार्जर अपना कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों फीचर के बारे में बता दिया मैं। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना रहते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों।